सभी साथियों को जैकसान। साथियों, आज 14 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी जो है चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले आप सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती की, उनकी 132वीं जयंती थी आज, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने हमें सिखाया कि कलम की ताकत क्या है और शिक्षा की ताकत क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आज बैसाखी का पावन पर्व था जो कि बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से किसानी के साथ और खेती के साथ साथियों जुड़े हुआ है। तो बैसाखी की और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की, जो बाबा साहब है हमारे, उनकी जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। तो चर्चा करेंगे साथियों आज कॉटन के ऊपर, सरसों के ऊपर, गेहूं, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों ग्वार और जौ के ऊपर भी। हालांकि आज लगभग जो है दो बड़े पर्व थे, इनके चलते काफी मंडियां जो थी वो बंद थी, उनके अंदर साथियों आज जो है बोली नहीं हो पाई है, उनके अंदर व्यापार जो है आज नहीं हो पाया साथियों। तो उसकी वजह से काफी मंडियां बंद थी, तो आज फिर भी जितनी मंडियां खुली हुई थी और जो भाव आज फसलों के साथियों रहे हैं उनके ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। सबसे पहले ही चर्चा करेंगे साथियों आज सरसों के ऊपर। हालांकि आवक बहुत कम थी आज, लगभग 8.5 लाख कट्टे की, 8.5 लाख बोरी की आप कह सकते हो, इतनी आवक थी, क्योंकि मंडियां काफी सारी बंद थी आज। जो बड़े प्लांट थे उनमें से भी एक दो प्लांट जो है बंद थे, लेकिन फिर भी साथियों आज सरसों के भाव के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। लगभग 50 से 70 रुपए 80 रुपए तक काफी मंडियों के अंदर जो है भाव साथियों आज डाउन रहा। हालांकि जितने बड़े प्लांट खुले थे उनके अंदर 25-50 रुपए का जो है सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन जो मंडियां हैं, जो हाजिर की मंडियां हैं, उनके अंदर जो है हमें आज साथियों गिरावट देखने को मिली है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आवकें बड़े, भाव नीचे जाए तो वो एक अलग कहानी है साथियों। असल में क्या होता है साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हालांकि कल मैं इस पोस्ट पे चर्चा भी करूंगा। गांव के अंदर अगर हमें एक बंदा, कोई एक आदमी आके ये बात बोलता है कि भाई साहब सरसों को सरकारी बेचेंगे तो एक महीने तक पेमेंट नहीं आएगी, तो गांव के 70-80% साथी, खेत के 70-80% साथी उस झूठे आदमी की, जो कि मनगढ़ंत बात उसने की है, उसकी बात हम लोग मान लेते हैं और फिर हम लोग जो है सरसों हमारी प्राइवेट तुड़ाने लगते हैं। ये बिल्कुल सच है मेरी नजर में, आपकी नजर में क्या है आप जरूर बताना साथियों। अगर कोई गांव का बंदा आ गया, उसने ये बोल दिया कि भाई जब सरसों हम लोग वहां तुड़वाने जाते हैं, वहां तो सरकारी सरसों की बात करो, एमएसपी के ऊपर, जब हम लोग एमएसपी के ऊपर सरसों तुलवाने जाएंगे तो वहां पर दो दो जार लगेंगी और आधी सरसों तुलेगी, आधी जो है नहीं तुलेगी, तो हम लोग उन बातों को सच मान बैठते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, विनम्र निवेदन करूंगा साथियों, आज ही मैंने ये कहानी सुनी है, मुझे किस साथी ने बताया, वो बड़ा जागरूक साथी था। मैंने उसको ये पूछा कि भाई आपने सरसों, उन्होंने मुझे पूछा कि सरसों के रेट में आगे क्या रहेगा, तो मैंने उनको ये बोला कि जितनी सरसों सरकारी या एमएसपी के ऊपर तुलती है आप तुलवाओ, उसके बाद अपने बाकी बात करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं यार, हमारे गांव में तो ये कह रहे थे कि भाई सरसों की पेमेंट 6-6 महीने नहीं आएगी, हमारा सेठ बोल रहा था 6 महीने सरसों की पेमेंट नहीं आएगी, प्लस दो दो झार वहां पर लगेगी, आधी सरसों भी हमारी नहीं तुलेगी। यार ये बड़ी गंदी प्रथा है साथियों। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम आप भी, आप में से बहुत सारे युवा साथी मेरे पेज के ऊपर एवरेज जो एज के लोग जुड़े हैं वो ये एज है 25 से लेके 40 साल तक। तो भाई आप सारे युवा साथी हो यार, आप इस चीज को एक इसके अंदर परिवर्तन करो साथियों, ये बड़ी जरूरी बात है। कुछ लोग जो व्यापारियों के दलाल लोग होते हैं, उनका ये काम होता है, व्यापारी आप सेठ को फोन करोगे, हमारे गांवों के अंदर एक और प्रथा है कि हम लोग सेठ को फोन करते हैं, उनको पूछते हैं, ये बोलेगा हमारे गांवों के अंदर एक और प्रथा है कि हम लोग सेठ को पूछेंगे कि सरसों या गेहूं या जौ या नरमा तेज होगा या नहीं होगा,
असल में सेठ ये बोलेगा कि तेज नहीं होगा, क्योंकि उनको तो हमारी फसल लेके फिर तेजी में आगे बेचनी है। इसलिए साथियों, ये हम लोग जो रोज गला फाड़ते हैं एक एक घंटा, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई जो है जागरूक हो जाएं, वो इसीलिए कर रहे हैं साथियों कि हमारे किसान साथियों को जो है कम से कम सही जानकारी मिल सके। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने पर आप फसल का सौदा करो, लेकिन फिर भी आप कोशिश ही ये करो साथियों कि भाई जो भी फसल है उसको तो उसके रेट का उसके अंदाजा लेके फिर जो है आप सौदा करो। इन व्यापारियों के कहने के ऊपर सौदा मत करो। और वो जो गांव के कुछ लोग जो दलाल लोग होते हैं, जो गांव के कुछ गप्पी लोग होते हैं, उनके कहने में आके सौदा साथियों मत करना। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आज सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी साथियों तेजी नहीं थी और बाजार भी काफी बंद थे। आज दो बड़े त्यौहार थे, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि एक तो बाबा साहब की जयंती थी और दूसरा जो है आज बैसाखी का पर्व था। तो उन दोनों के चलते जो है साथियों आज जो है कोई बहुत बड़ा कारोबार किसी भी धान मंडी के अंदर साथियों नहीं हुआ है। कॉटन की बात करें साथियों मोटी मोटी, तो कॉटन में भी आज जितनी मंडियां खुली हुई थी उनके अंदर भी बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। और ये तो मैंने आपको सोमवार को बता दिया था साथियों कि इस बार गेहूं के अंदर कॉटन के अंदर जो है इस सप्ताह की बहुत बड़ी तेजी जो है बनती हुई दिखाई नहीं देगी। वही हुआ साथियों, हो सकता है अगली बार जो है अगला जो सप्ताह हमारा आएगा उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है तेजी हमें साथियों देखने को मिल सके, थोड़ा सा कॉटन के अंदर हमें सुधार जो है साथियों देखने को मिल सके। बात करें साथियों ग्वार की और जौ की, दोनों के अंदर आपको बड़ा ही साफ और स्पष्ट शब्दों में साथियों बताया था कि दोनों में सुधार जो है बनता हुआ इस सप्ताह नहीं दिखेगा, और वही हुआ है साथियों, दोनों में कोई बहुत बड़ा सुधार जो है वो माफी चाहूंगा आप सबसे साथियों, बीच में किसी साथी का बार बार फोन जो है आ रहा था। तो कल भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी दिखाई नहीं दे रही किसी भी जींस के अंदर साथियों। सोमवार के बाद एक नया जो है रुझान बन सकता है फसलों के भाव के अंदर। एक हमारे साथी पूछ रहे हैं जीरा के बारे में और लालचंद जी गोदारा साहब पूछ रहे हैं इसबगोल के बारे में। देखिए जीरा के अंदर बड़ी तेजी बन चुकी है और यहां से बहुत बड़ी उम्मीद करना बड़ी एक मुश्किल बात है साथियों। और बात करें इसबगोल की, तो इसबगोल के बारे में गोदारा जी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। एक साथी ऊपर पता नहीं किसी और फसल के बारे में, शायद अरंडी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी मेरे को जो है कि बहुत बड़ा नॉलेज जो है नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं आपका नुकसान हो जाए तो मेरा फिर वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। पुनः बता दूं साथियों, सरसों के अंदर और गेहूं के अंदर कोशिश ये करो कि जितनी भी फसल जो है हमारी MSP के ऊपर तुले, जितनी भी फसल जो है हमारी सरकारी रेट के ऊपर तुले उसको तुलवाओ साथियों। जो भी सरकार को दाना तुलवा देंगे उसकी पेमेंट आएगी 7 दिन में, नहीं तो 10 दिन में आएगी। जो कोई आपको ये बोल रहा है कि पेमेंट नहीं आएगी वो बहुत गलत आपको भड़का रहा है। वो कोई व्यापारियों का आदमी हो सकता है, वो कोई और आदमी हो सकता है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन कि सरसों और गेहूं के अंदर जितनी भी फसल आप सरकारी तुलवा सको वो साथियों तुलवाओ। और बाकी चर्चा साथियों कल करेंगे, आज